नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी अच्छा कर दे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आचार्य चाणक्य ने बताई हुई ऐसे 3 चीज़ों के बारे में, जो चीज़ें हर पुरुष को अपने पूरे ज़िंदगी में गुप्त रखनी चाहिए। अगर कोई पुरुष उन 3 चीज़ों को किसी भी व्यक्ति को बताता है, मतलब अगर कोई पुरुष उन 3 चीजों को गुप्त नहीं रखता है, तो वह पुरुष अपने पूरे जिंदगी में कभी भी सफल नहीं बन सकता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑल इन्फो अपडेट। सबसे पहली जो चीज़ है वह क्या है दोस्तों, कि मनी लॉस। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब है आर्थिक नुकसान। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि अगर आप एक पुरुष हो तो अगर आपको अपने कारोबार में या फिर किसी भी चीज़ में आर्थिक नुकसान हुआ है, तो आप उस आर्थिक नुकसान को किसी को भी ना बताएं। मतलब आप अपना आर्थिक नुकसान हमेशा गुप्त रखें। इसका कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि अगर आप अपना आर्थिक नुकसान समाज को बताओगे या फिर किसी भी व्यक्ति को बताओगे, तो वह व्यक्ति आपको कभी भी आर्थिक सहयोग नहीं करेगा और आपको हमेशा तुच्छ नजर से देखेगा। तो दोस्तों, आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखो। दोस्तों, जो दूसरी चीज है वह क्या है दोस्तों, कि पास्ट इंसल्ट। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब है कि भूतकाल में हुएला अपमान। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि अगर आप एक पुरुष हो और आपके भूतकाल में आपका अपमान हुआ है, तो आप उस अपमान को किसी को भी ना बताएं। मतलब आपके साथ हुएला अपमान आप हमेशा गुप्त रखें, क्योंकि दोस्तों अगर आप आपका अपमान किसी भी व्यक्ति को बताते हो, तो वह व्यक्ति आपका हुएला अपमान बाकी के लोगों को बताएगा और बाकी के लोग आपके साथ बहुत ही तुच्छ व्यवहार करेंगे और आपका बहुत ही मजाक उड़ाएंगे। तो दोस्तों, आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखो। दोस्तों, जो तीसरी चीज है वह क्या है दोस्तों, कि पत्नी का स्वभाव। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि अगर आप एक पुरुष हो और आपकी शादी हुई है, तो आप अपने पत्नी का स्वभाव किसी भी व्यक्ति को ना बताए। अगर आप किसी भी व्यक्ति को अपने पत्नी का स्वभाव बताते हो, तो वह व्यक्ति आपके पत्नी के स्वभाव का फायदा उठा सकता है, या फिर आपके पत्नी के स्वभाव के बारे में उल्टी सीधी बातें कर सकता है। तो दोस्तों, इसलिए आप हमेशा अपने पत्नी का स्वभाव गुप्त रखें।